देखिए भाई, पता नहीं हम्बाले कंपनी करना क्या चाहता है। उनकी सलार दिन पे दिन और भी ज्यादा पोस्टपोन होते जा रहे हैं। पहले बोला गया था सलार दिसंबर से पोस्टपोन होकर फरवरी मार्च के महीना में चली गई है रिलीज होने के लिए, लेकिन अब कंफर्म हो चुका है ये प्रभास की सलार हमें अगले साल समर में ही देखने को मिलेगी, वो भी अप्रैल के महीना में। और इसलिए काफी सारे मीडिया आर्टिकल छापना भी चालू कर दिए हैं। भैया सलार अब क्लैश करेगी एनटीआर की देवरा फिल्म से। शायद मेरे हिसाब से क्लैश तो नहीं, बट हो सकता है सलार उसी अप्रैल महीना के एंड में रिलीज हो और एनटीआर की देवरा अप्रैल के शुरुआत में 5 तारीख को रिलीज हो रही है। खैर, जब तक अब इसलिए हम्बाले कंपनी रिलीज डेट ना रिवील करे, तब तक हमें विश्वास नहीं होगा किसी भी रूमर पर। बाकी अब देखा जाए सलार को हम्बाले कंपनी और कितना दूर ले जाता है पोस्टपोन करके हम जनता से। देखिए भाई, फाइनली टाइगर श्रॉफ की गणपत से ऑफिशियली अनाउंसमेंट वीडियो आ चुका है टीजर रिलीज का, और ये गणपत फिल्म का टीजर हमें पक्का 27 सितंबर को देखने को मिलेगा। वैसे अनाउंसमेंट टीजर भी काफी कमाल का है, एकदम साईफाई सुपर हीरो फिल्म लग रही है गणपत। लगता है प्रभास के कलकी से पहले टाइगर भैया ही हमें एक साईफाई सुपर हीरो फिल्म दे देंगे देखने को, जो सच में बड़ी अच्छी बात है। खैर, ये गणपत किस लेवल की फिल्म है वो तो हमें जल्दी 27 सितंबर को ही पता चल जाएगा। तो जैसे कि आप जानते होंगे, 2 सप्ताह पहले ही लियो का एडवांस बुकिंग यूके में खोल दिया है अहिस्मा कंपनी ने। तो भाई, अब यूके के बाद लियो का एडवांस बुकिंग अमेरिका में जल्द चालू होने वाला है, वो अभी 27 सितंबर से ही। और अमेरिका में थाला फैट विजी के लियो एक दिन पहले 18 अक्टूबर को ही रिलीज होगी। वैसे ही आपको बता दो, लियो का अभी यूएसए में सलार कहीं कंपनी रिलीज कर रही है, यानी प्रयथन गिरी सिनेमा, जिसने वादा किया है वो सलार को 1991 स्क्रीन पर रिलीज करेगा। बाकी अब देखना ये होगा यो वर्सेस कंपनी थाला फैटी विजय के लियो को कितना स्क्रीन पर रिलीज करता है अमेरिका के मार्केट में। वैसे लियो का यूके के मार्केट में अब तक 28,000 एडवांस बुकिंग में टिकट बिक चुका है, यानी करीब 3 करोड़ रुपया लियो का कलेक्शन हो चुका है एडवांस बुकिंग से यूके में। लगता है थाला फैटी विजय इस बार यूके में बड़ा रिकॉर्ड बनाकर ही मानेंगे अपनी लियो फिल्म से। देखिए भाई, फाइनली तमिल की साईफाई फिल्म आयालान पोस्टपोन हो चुका है ऑब्वियसली। कल ही मेकर्स ने ये पोस्टर भेज के अनाउंसमेंट कर दिए, उनकी आयालान अब रिलीज होगी अगले साल 12 जनवरी को संक्रांति के दिन। यानी कि ये साईफाई फिल्म तेजा सज्जा के हनुमान और गंटूर कारम से क्लैश करेगी संक्रांति के दिन बॉक्स ऑफिस पर। वैसे भाई, रूमर ये भी है कि उसी पोंगल फेस्टिवल पर चियान विक्रम की थंगलान भी रिलीज होने वाली है, मतलब कि इस साल वारसु थुनुवु के जैसा तमिल में फिर से दो बड़ी फिल्म आयलान और थंगलान के बीच क्लैश हो सकता है। तो देखते हैं इस बार किसके फिल्म विनर बनती है कलेक्शन के मामले में। महेश बाबू के गंटूर कारम के शूटिंग से एक बड़ी अच्छी अपडेट आ गई है। असल में भाई, फिल्म का शूटिंग महेश बाबू लगातार एक महीना से कर रहे हैं। यह गंटूर कारम फैमिली ड्रामा होने के बावजूद भी इसके अंदर बड़ा एक्शन प्लान किए हैं त्रिविक्रम सर। जी हाँ, इस समय महेश बाबू गंटूर कारम के लिए गोली बंदूक से एक्शन कर रहे हैं। मेकर्स का टारगेट है वो कैसे भी 12 जनवरी को संक्रांति के दिन ही रिलीज करके ही मानेंगे फिल्म को, जो सच में अच्छी बात है महेश बाबू के फैंस के लिए। देखिए, विषाद और गोंडा की गुस्सी फिल्म बड़ा जल्दी ही ओटीटी पर रिलीज होने जा रही, वो अभी 1 अक्टूबर से ही आप नेटफ्लिक्स पर खुशी को सभी भाषा में देख सकते हैं। वैसे विजय साहब की खुशी का बजट था 50 करोड़ और फिल्म ने कमाया 70 करोड़ रुपया बॉक्स ऑफिस पर, यानी खुशी को हिट ही समझिए आप। और अब इसके बाद विजय साहब की V12 रिलीज होगी अगले साल, जो एक कॉप एक्शन फिल्म है और उसको बना रहे डायरेक्टर गौतम तिनारू, जिन्होंने नानी की असली जर्सी बनाई थी। चियान विक्रम की एक 6 साल से अटकी फिल्म फाइनली रिलीज होने जा रहा है सिनेमा में, जिसका नाम है ध्रुवा नचम थिरम। एक्चुअली में इस फिल्म का पूरा काम 2018 या 19 में ही खत्म हो चुका था, लेकिन पता नहीं क्यों मेकर्स इसको बार बार पोस्टपोन्ड करते गए हर साल, और अब जाकर फाइनली 24 नवंबर को विक्रम सर अपनी ध्रुवा फिल्म को रिलीज कर रहे हैं। और इस फिल्म में विक्रम जॉन का कैरेक्टर प्ले किए हैं। तो देखा जाए चियान विक्रम की ये 6 साल से अटकी हुई फिल्म कैसी होती है। अब चलिए भाई बॉक्स ऑफिस पर आ जाते हैं।
देखिए शाहरुख खान की जवान के कलेक्शन में शनिवार के दिन अच्छी ग्रोथ आ गई है बॉक्स ऑफिस पर। फिल्म ने जहां फ्राइडे को 7.60 करोड़ रुपए कलेक्शन किया था, तो वहीं कल शनिवार के दिन जवान ने 12.25 करोड़ रुपए कलेक्शन कर लिया पूरे इंडिया में, जिसमें से अकेले हिंदी मार्केट से 11.50 करोड़ रुपए कमाई हुई फिल्म की, तो बाकी 70 लाख रुपया साउथ मार्केट से हुआ कलेक्शन जवान का। और इसी के साथ जवान का भारत में टोटल कलेक्शन अब तक 17 दिन में 545.84 करोड़ रुपया हो चुका है, और ओवरसीज मिलाकर शाहरुख खान की जवान ने 980 करोड़ कलेक्शन कम्प्लीट कर दिया पूरी दुनिया के मार्केट में। यानी कि भाई बस 20 करोड़ से दूर है शाहरुख खान की जवान 1000 करोड़ तक पहुंचने में, जो कि आज पूरा हो जाएगा बॉक्स ऑफिस पर। अब चलिए भाई तमिल के मार्क एंटोनी पर आ जाते हैं। देखिए मार्क एंटोनी जहां फ्राइडे को 3.10 करोड़ रुपए कलेक्शन किया था, तो वहीं मार्क एंटोनी ने कल शनिवार के दिन 5 करोड़ रुपया कलेक्शन कर लिया है पूरे भारत में। और इसी के साथ भारत में मार्क एंटोनी का टोटल कलेक्शन अब तक 9 दिन में 55.05 करोड़ रुपया हो चुका है, और ओवरसीज मिलाकर फिल्म ने 78 करोड़ के आसपास कमाई कर लिया पूरी दुनिया के मार्केट में। अगर ये फिल्म 100 करोड़ कलेक्शन कर लेती है तो ये विशाल की पहली 100 करोड़ कलेक्शन करने वाली फिल्म बन जाएगी मार्क एंटोनी, जो सच में बड़ी अच्छी बात है। अब चलिए विकी कौशल की द ग्रेट इंडियन फैमिली पर आ जाते हैं। देखिए फैमिली फिल्म ने जहां पहले दिन 1.50 करोड़ रुपए से ओपनिंग किया था, तो वहीं कल शनिवार के दिन ग्रेट फैमिली का 1.80 करोड़ रुपए कलेक्शन हो चुका है पूरे इंडिया में। और इसी के साथ विकी कौशल का फिल्म का टोटल इंडिया में कमाई अब तक 2 दिन में 3.20 करोड़ रुपया हो चुका है, और ओवरसीज मार्केट में फिल्म का अभी कोई डेटा नहीं आया है, यानी फिल्म का कलेक्शन विदेश के मार्केट में एकदम ना के बराबर हो रही है। वैसे भाई इस फिल्म मैनिया की इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप ऐसी और वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा। तब तक आप सभी को अलविदा।